फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी की खुशखबरी ने फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया था। लेकिन ये सवाल था कि क्या ये ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी हो पाएगी? क्या विद्या वापस मंजुलिका के रूप में अपना जादू चला पाएंगी? फिर पता चला कि पिक्चर में माधुरी दीक्षित भी हैं, यानी मामला डबल ट्रबल वाला होने वाला है। दो बढ़िया एक्ट्रेसेस के साथ मिलकर भूल भुलैया 3 अगर बन रही है तो अनीश बज्मी कुछ कमाल तो जरूर करने वाले होंगे, साथ में कार्तिक आर्यन की मस्ती भी है। भाई वाह, ऐसी फैंस की उम्मीद थी, उस उम्मीद का क्या हुआ वो अभी आपको पता चल जाएगा। पिक्चर की शुरुआत होती है बंगाल के रक्त घाट से। 1824 में यहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका, जो नृत्य में कुशल थी, साथ ही उसकी शस्त्र कला का भी कोई जवाब नहीं था। मंजुलिका की नजर अपने पिता शुभात्रु महाराज सिंहासन पर है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे खत्म किए बिना वो कुछ हासिल नहीं कर सकती। राजगद्दी हथियाने निकली मंजुलिका के हाथ खाली रह गए, लेकिन उसने मरकर भी हार नहीं मानी। अब वो बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। रक्त घाट में इस घटना को घटे 200 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में रूहान रू बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगा जल की पिचकारी मारकर माफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीजों को शापित बोलकर ऐंट लेता है। लेकिन ये ढोंगी रू बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर देगी। ऐसा तब होता है जब रूहान की जिंदगी में मीरा और उसके मामा आते हैं। दोनों से अपने साथ रक्त घाट चलने को बोलते हैं। काम होने पर रूहान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन लालच उसका बहुत बड़ा है, तो बस अपना बस्ता उठाकर रू बाबा निकल पड़े बिना कुछ जाने मंजुलिका का सामना करने। महाराज के महल आकर उनका हाल देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या रू बाबा मंजुलिका से मीरा और उसके परिवार का पीछा छुड़वा पाएंगे? और आखिर असल में मंजुलिका है कौन और उसकी कहानी सही में है क्या? यही सब और बहुत कुछ मिलाकर पिक्चर में खिचड़ी पकाई गई है। ऑडियंस को उम्मीद देकर उनके लॉजिक को चेंज करना अच्छी बात नहीं है। भूल भुलैया 3 में डायरेक्टर अनीस बज्जी यही कर रहे हैं। पिक्चर के एक सीन में मीरा के मामा बने राजेश शर्मा की गंजी में जितने छेद हैं, राइटर आकाश कौशिक की लिखी हुई कहानी में भी उतने लुप्त होल्स हैं। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक होती है। मंजुलिका की कहानी, उसकी मौत और उसका भूत बनना आपको समझ आता है और डराता भी है। फिर आते हैं रू बाबा, जिनका पाखंड आपको हंसाता है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है आप भूल भुलैया में फंसते चले जाते हैं। पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको अपने साथ बांधे रखता है। परत दर परत कहानी खुल रही होती है और आपके मन में आ रहा होता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फिर आता है सेकंड हाफ, यहाँ चरम पर चल रही आपकी उम्मीद और उत्साह को ठोकर लगती है, क्योंकि फिल्म आपका लॉजिक और फन पीछे छोड़ आई है। अब पिक्चर में कुछ भी हो रहा है, अब किसी के मन में ये सवाल नहीं है कि मंजुलिका यहाँ है या नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर मंजुलिका है कौन। हॉरर के नाम पर आपको पिक्चर में घिसी पिटी चीजें देखने को मिलती है। इसके बीच में थोड़े कॉमेडी के छींटे मारे गए हैं जो ज्यादातर मिस ही होते हैं। ये वो वक्त है जब फिल्म डायरेक्टर के हाथ से निकल चुकी और इसके अंदर कोई कहानी बाकी नहीं रही है। पर्दे पर कुछ भी हो रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं कि ये खत्म हो तो घर जाएं। परफॉर्मेंस की बात करें तो रू बाबा के रोल में कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार की याद आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अक्षय कुमार जैसी है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है कार्तिक अक्षय से वापस कार्तिक होते जाते हैं। बाकी उनका काम ठीक है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने पिक्चर में अलग रंग घोला है। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और डांस के तो क्या कहने, खुद को मिले रोल के साथ दोनों हीरोइनों ने न्याय कर ही लिया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है। उनका रोल क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कहना मुश्किल है। देखकर लगता है कि उन्हें कहा गया होगा कि तुम बस माहौल बनाओ, लोग खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। विजय राज, राजेश शर्मा, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालेसकर समेत कई एक्टर्स ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाए हैं। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग है। उनकी कोई हरकत आपको नहीं हंसाती। इससे कई बेहतर कॉमिक अवतारों में हम तीनों सितारों को देख चुके हैं। फिल्म में स्क्रीन पत्ती के छोटे मियां उर्फ अरुण कुशवाहा भी हैं। उनका रोल सिर्फ हर मौके पर बेहोश होने तक सीमित है। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं, ये इतना बोरिंग है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाना। और वैसे आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।